अब हम लोग आ गए हैं एच ई आर एस में. तो एच ई आर एस क्या होता है? हर्टविक्स एपिथेलियम रूट शीथ. जो इनेमल ऑर्गन होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूट के मोल्डिंग में. तो ये बनाता है एच ई आर एस. और ये एच ई आर एस बनता कैसे है? जब हमारा इनेमल और डेंटिन फ्यूचर सीमेंटो इनेमल जंक्शन तक पहुँच जाता है तब एच ई आर एस का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप लेंथ साइज एंड नंबर ऑफ रूट्स. तो एच ई आर एस में होते क्या क्या हैं? तो इसमें होते हैं इनर इनेमल एपिथीलियम एंड आउटर इनेमल एपिथीलियम. ये देख रहे हैं इनर इनेमल एंड आउटर इनेमल. अब इसमें स्ट्रैटम इंटरमीडियम या स्टिलेट रेटिकुलम ये दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं. और जो इनर इनेमल एपिथीलियम की सेल्स है वो डिफरेंशिएट नहीं हुई रहती है. इसका मतलब दे आर नॉट कॉलमनर, दे आर स्टिल स्मॉल, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी इनेमल फॉर्मेशन नहीं होता है. सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट शीथ फॉर्म होती है. रूट शीथ मतलब कि ये वर्टिकुलर फॉर्म जो होता है ये होता है, दिस वर्टिकल थिंग, ये है रूट शीथ. दिस फॉर्म्स फर्स्ट और ये बाद में फॉर्म करता है दिस हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल डायफ्राम. अब क्या होता है कि ये जो रूट शीथ है ये पहले तो ऐसे छोटी रहती है जैसे हमको यहाँ पे दिख रही है, इट्स स्मॉल, लेकिन ये धीरे धीरे एक्सटेंड होती जाती है जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है. एक्सटेंड क्यों होती जाती है? बिकॉज टूथ इज इरप्टिंग स्लोली, ये धीरे धीरे ऊपर की सर्फेस पे आता जा रहा है, दैट्स वाई दिस एक्सटेंड्स. और यहाँ की जो सेल्स हैं वो अंदर के ये रेडिकुलर डेंटल पेपाइला, रेडिकुलर मतलब कि जो पार्ट रूट में होता है उसको हम रेडिकुलर बोलते हैं. तो रेडिकुलर डेंटल पेपाइला में इंड्यूस करता है यहाँ की सेल्स को क्या बनाने के लिए? ओडोंटोब्लास्ट. और ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स रहती हैं ये एक लेयर बनाती हैं डेंटिन की, रेडिकुलर डेंटिन की. रेडिकुलर मतलब वो डेंटिन जो रूट के पार्ट में प्रेजेंट होता है. तो जैसे ही ये एक लेयर बन जाती है यहाँ पे डेंटिन की, वैसे ये जो है ये डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है, ये टूटने लग जाता है और हमें दिखता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर. इसको हम लोग बोलते हैं ये स्ट्रैंड्स के फॉर्म में आ जाता है. ये जो रूट शीट थी हमारी ये धीरे धीरे ऐसे स्ट्रैंड्स के फॉर्म में आ जाती है या क्लम्स के फॉर्म में आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ मेलासिस. और ये सेल्स जो हमें बाद में देखने मिलती है पेरीओडोंटल लिगामेंट्स में. पेरीओडोंटल जो ये हमारा डेंटल सैक है, दिस वी नो, और यहाँ पे पेरीओडोंटल फाइबर्स होते हैं ऐसे. तो बाद में ये पेरीओडोंटल लिगामेंट में हमें ये सेल रेस्ट ऑफ मेलासिस देखने को मिलते हैं इरप्टेड टूथ में. अगर ये सेल रेस्ट ऑफ मेलासिस यहाँ अभी भी ये डेंटिन से, ये जो डेंटिन की लेयर है अगर ये इसी से ही अटैच रहती है तो बाद में ये बन जाती है फुल्ली फंक्शनल इनेमल प्रोड्यूसिंग सेल्स, जिसको हम बोलते हैं पर्ल्स, इनेमल पर्ल्स. और ये फुल्ली फंक्शनल सेल्स हैं जो कि इनेमल बना सकती हैं. इसको हम ड्रॉपलेट्स ऑफ इनेमल भी बोलते हैं. ऑफ मेलासिस की टूटने की वजह क्या रहती है कि आसपास का जो डेंटल सैक है, ये जो डेंटल सैक है ये पूरा ऐसे कवर करता है, ये यहाँ पे इन्वेड करने लग जाता है, दैट्स वाई ये जो रूट शीथ है ये ब्रेक डाउन हो जाती है.